हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक तंजीम है, जिस तंजीम का मकसद है अमन और सलामती। इस अमन और सलामती का पैगाम देने के लिए चार वर्ष पहले 2021 में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दिए जलाकर उर्स की शुभकामना करते हुए और यह पैगाम दिया गया, रोशनी का यह त्योहार दीपावली यह सुख और समृद्धि का त्योहार है, इसलिए धन्वंतरी पूजा करते हैं ताकि सब निरोग हों, बीमारियों से मुक्त हों। कुबेर पूजा करते हैं ताकि गरीबी भुखमरी बेरोजगारी जाए और खुशहाली आए, इसलिए हर वर्ष की धनतेरस को इस दुआ को प्रार्थना को करने के लिए जाति मजहब भाषा दल प्रांत से ऊपर उठकर एकत्रित आते हैं और दीपोत्सव इसको मनाया जाता है। मैं एक बात अपने किरदार से और हक से कह सकता हूँ, मैं ईसाइयों के चर्च में कई फिरकों में गया हूँ, मैं इस्लाम मतावलंबियों की मस्जिद और दरगाहों में खूब गया हूँ, मैं गुरुद्वारे गया हूँ, मैं जैन स्थानक भी गया हूँ, मैं बौद्ध बिहार भी गया हूँ, मैं मंदिरों में भी गया हूँ। आज के आधुनिक जो आ रहे हैं, कहीं राधा स्वामी होगा, निरंकारी होगा, ब्रह्म कुमारी होगा, उन सब में भी गया हूँ। मुझे तो सब जगह, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको खुदा अल्लाह कहा, किसी ने ईश्वर परमेश्वर कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, परंतु सबसे सुंदर बात ये थी कि वह मालिक है हर जुबान में, हर मजहब के लिए, और वह ऊपर वाला है। इसलिए ना मेरी आइडेंटिटी को कहीं खतरा आया, ना खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने आज दुआ की, मालिक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह लाजवाब हिंदुस्तान जिसके लिए समय समय पर फरमाया गया है कि हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर है और दुनिया की जन्नत हिंदुस्तान है, तो दुनिया की जन्नत हिंदुस्तान जन्नत रहे, जिसके लिए रसूल ने फरमाया था कि सकून की ठंडी हवाएं इंतहाई में मुझे हिंद की सरजमी से आती हैं, वो बने। इसलिए मजहबी दंगों से मुक्त हो, जातीय छुआछूत से मुक्त हो, नारी के शोषण अत्याचार से मुक्त हो, प्रदूषण से मुक्त हो, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसका शोषण नहीं हो, बल्कि उसके ऊपर ममता की चादर डालकर सब उसको आगे ले जाने के लिए मददगार हो, और इस प्रकार से ना कन्वर्शन हो, ना गांव लिंचिंग हो, ना ही और आदमी की लिंचिंग हो, लिंचिंग मुक्त हिंदुस्तान बने। तो मुझे ये विश्वास है कि हमारी गरीबी बेरोजगारी अनपढ़ता जाए, हम सब खुशहाली और भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ें। मुझे पूरा भरोसा है मजहबों की कट्टरताएं खत्म होंगी, जातियों का छुआछूत खत्म होगा, लिंग में औरत पर चाहे तलाक जैसा हो, चाहे अन्य अत्याचार जैसा वो नहीं होगा, बल्कि एक कामयाब खुशहाल हिंदुस्तान बनेगा। इसी की मैं ने प्रार्थना की, मालिक जिस जिस जगह जिस जिस रूप में तू है, हमारी एक ही फरियाद है कि हिंदुस्तान जो दुनिया का कभी बादशाह था, विश्वगुरु था, वह हिंदुस्तान फिर से वैसा बने। हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, वो दुश्मन के रूप में नहीं बने, दोस्त के रूप में आए, नाजायज कब्जा जो है उसको छोड़े,
चीन जो कैलाश मानसरोवर को दबाकर बैठा है और तिब्बत को दबाकर बैठा है वो छोड़े ताकि अमन और सलामती हिमालय में आए। इस प्रकार से बांग्लादेश में जो अभी हुआ वह शेख हसीना और खालिदा और अन्य लोगों के बीच का झगड़ा था। मंदिर ने या सनातनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, ना बौद्ध ने, ना जैन ने, ना सिख ने, परंतु उस पर जुल्म हुए और यह एक ऐसा काम था जो शैतानी काम था। तो ऐसे शैतानी कामों से मुक्त हिंदुस्तान और पड़ोसी बने और हम सब भाईचारे में रहें, सीमाओं पर गोलाबारी नहीं हो, सीमा पर गले मिलकर मोहब्बत का गीत गाया जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनेगा और बनाएंगे, यही मेरी गुजारिश है। मुझे पत्रकारों से पूरी उम्मीद है इस संदेश को, जो दुनिया के लिए अमन का होगा, हिंदुस्तान के लिए सलामती का होगा, ऐसा संदेश जन जन तक जाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आज कहीं वक्फ बोर्ड की भी चर्चा चलती है, सारे धर्मों के अंदर इंडिविजुअल स्थानों के या ट्रस्ट हैं या कमेटियां हैं, यहाँ पर भी इस्लाम मतावलंबियों में भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं, कमेटियां हैं और उन्हीं से वो चलती हैं। इसलिए मुसलमानों के अंदर ये लगता है कि हम किसी एक बोर्ड में क्यों, सारा देश का कानून हमारे लिए क्यों नहीं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हिंदुस्तान की आज की हुकूमत पारदर्शिता के साथ संपत्तियों का विवरण हो, संपत्ति के साथ साथ आय का विवरण हो और वह वेलफेयर के लिए खर्च हो, क्योंकि जब वो खुदा के नाम पर दिया गया धन है, संपत्ति है, तो फिर इसी के लिए काम आए। मुझे पूरा विश्वास है जो लोग ये भड़काते हैं, सरकार का इरादा ऐसा है कि वो संपत्तियां कब्जे में कर लेगी, उनको निजामुद्दीन से समझ लेनी चाहिए। इतने सैकड़ों वर्षों से यह संपत्ति ना कभी वक्फ बोर्ड में थी, ना है, ना होने वाली है। इसकी संपत्ति को कोई खतरा नहीं आया, परंतु कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले भड़काने का, लड़वाने का, बांटने का काम करते हैं। मैं मालिक से और ईश्वर से दुआ